नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। सुबह उठते ही किए गए एक काम सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं, तुरंत इसे छोड़ दें। नंबर एक, कभी भी सुबह उठते ही आईना ना देखें। कुछ लोग सुबह उठते ही आईना देखते हैं, बाल बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। बेहतर होगा कि सुबह उठते ही अपनी हथेली देखें, फिर मुंह हाथ धोने के बाद बाल बनाएं और आईना देखें। नंबर दो, सुबह जागते ही जूठे बर्तन पर नजर पड़ना बहुत बुरा होता है, इसलिए रात में किचन हमेशा साफ करके सोएं। और जूठे बर्तन देखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरा दिन बेकार हो जाता है। नंबर तीन, सुबह जागते ही बंद घड़ी देखना अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो घर में बंद पड़ी घड़ी रखना बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है, ऐसी स्थिति से बचें। यदि अचानक घड़ी बंद हो जाए तो उसे उल्टा करके रख दें। नंबर चार, घर में हिंसक जानवरों की तस्वीर या मूर्ति रखना ही नहीं चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हिंसक जानवरों की तस्वीर घर में अशांति और कलह बढ़ाती है, वहीं सुबह सुबह इन पर नजर जाना आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। नंबर पाँच, हाथों से कपड़े धोने से तिल मजबूत होता है और हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, इसलिए कपड़े हमेशा हाथों से ही धोने चाहिए। नंबर छः, खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर सात, काले अंगूर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसको खाने से पेट ठीक रहता है। नंबर आठ, हरी शिमला मिर्च खाने से मोटापा नहीं आता है। नंबर नौ, आपको कम सुनाई देता हो तो उंगली पर तेल लगाकर कान में फेरें, इससे आपको सुनाई देने लगेगी। नंबर दस, चाय में कभी भी हल्दी या नमक डालकर ना पीना, जहर बन सकता है। नंबर ग्यारह, गुड़ खाने से खून साफ होता है, रोजाना खाने के बाद गुड़ खाएं, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। नंबर बारह, अदरक का रस और तुलसी का रस नाक में डालने से माइग्रेन और सिर दर्द से राहत मिलती है। नंबर तेरह, लौंग का तेल मलने से सिर दर्द से राहत मिलती है। नंबर चौदह, लौंग और तंबाकू के पत्तों को पीसकर सिर पर लगाने से माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है। नंबर पंद्रह, मलाई कोफ्ता या दूसरे प्रकार के कोफ्ते बहुत मुलायम हो तो उन्हें बनाकर एक घंटा फ्रिज में रखें और फिर तैयार ग्रेवी में सर्व करते समय डालें, इससे कोफ्ते बिखरेंगे नहीं। नंबर 16, जब भी आप नूडल्स बनाएं तो नूडल्स को उबालते वक्त नमक जरूर डाल दें और उबलने के बाद ठंडे पानी से जरूर धो लें, इससे आपके नूडल्स एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और अलग अलग से रहेंगे। नंबर 17, जीभ पर एक चुटकी नमक रखकर 10 मिनट बाद एक गिलास पानी पीने से कोई भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 18, एक कप पानी में एक चम्मच हल्दी डालकर उबाल कर पीने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 19, सुबह जागते ही डस्टबिन या कचरे का ढेर देखना अच्छा नहीं होता है, बेहतर है कि जागते ही अपनी दोनों हथेली के दर्शन करें, फिर हाथ मुंह धोएं, इसके बाद रोजमर्रा के काम करें। नंबर 20, खाना खाने से पहले पैर धो लिया करें तो पेट में खाना जल्दी हजम हो जाता है। नंबर 21, सप्ताह में एक या दो बार नारियल का पानी अवश्य पिएं, इससे शरीर भी गोरा होता है और पेट भी साफ रहेगा। नंबर 22, जब भी आप हरी चटनी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा दही जरूर डाल दें, इससे चटनी काली नहीं पड़ेगी और चटनी का रंग भी बरकरार रहेगा। नंबर 23, जब चने की दाल बनाते हैं तो उसमें एक चम्मच सौंफ डाल दिया करें, इससे दाल बड़ी ताकतवर बनेगी। नंबर 24, धुली हुई उड़द की दाल बनाते समय उसमें एक चम्मच धुली हुई मूंग दाल और एक बड़ा चम्मच दही डालकर पकाएं, इससे दाल स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 25, उपमा बनाते समय एक कप सूजी में लगभग 1/4 कप गाढ़ा दही फेंटकर पानी डालते समय मिलाएं, उपमा स्वादिष्ट और खिला खिला बनेगा। नंबर 26, अगर बार बार गैस की समस्या हो तो एक कप गर्म पानी में 2-3 लौंग, पुदीने की पत्तियां
और आधा नींबू मिलाकर पीने से राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।